तो फाइनली जिस चीज का इंतजार सभी को था वो अपडेट आज आ चुका है। अपडेट वाला गेम प्ले आज नहीं मैं डाल रहा क्योंकि ये गेम प्ले कल का है, तो कल मैंने पहले गेम प्ले बना लिया था होली के लिए क्योंकि आज होली थी, होली मना रहा था। आज वाले मैच में होता क्या सीन है भाई, गड़बड़ ही गड़बड़, मतलब इतनी गड़बड़ होगी आप बोलोगे पारस भाई क्या है तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर मैं लूटने के लिए सामने की तरफ जाता हूँ, मैं एक ऐसी लोकेशन पे उतरा था जहां पर उतरने का कोई सोचेगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर उतर के मैं आराम से लूट कर रहा था, तभी यहाँ पर क्या सीन होता है वो आप देखना। एंड आज किसने किसने होली बनाई मेरे को कमेंट करके बताना। एंड आप सभी को दिल से हैप्पी होली। एंड कौन कौन टकले पे अंडे फुटवा के आया अपने, मेरे तो दोस्तों ने अंडे मारे हैं बहुत ज्यादा। अब आज वाली वीडियो में होता क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट आज अपडेट आ गया, किसने किसने अपडेट कर लिया वो मेरे को बताओ। अब यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर एक हेल्थ किट दिखती है, तभी यहाँ पर गाड़ी आती है। अब यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, बट दो बंदे थे पहले, मुझे लगता है ये टीम अप करके खेल रहे थे या फिर एक दोनों के पीछे लगे हुए थे पता नहीं। बट यहाँ पर मैंने इतनी अच्छी मोली की भाई, मेरी मोली क्यों नहीं लगी उसे जाके। अब ये बंदा ना ओल पे बोलने लग गया था भाई छोड़ दो माइनस हो जाएगा, छोड़ दो माइनस हो जाएगा, बट मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ। देखो मोली इसके बिल्कुल पैरों के पास है भाई, फिर भी ये डैमेज नहीं हुआ। अब इसको मैं मारता कैसे हूँ, यहाँ पर हमारी फाइट दो तीन मिनट तक चलती है, बाद में इसे मैं कैसे मारता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अब पहले मेरे साथ बंदा फाइट कर रहा था, जब उसे लगता है कि मैं नहीं मार सकता वो कूदने लग जाता है। ये पहले कूदता तो बात अलग थी, बट आधा टाइम इसने मेरा वेस्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पर उतरा था तब 100 बंदे अलाइव थे, जब इन बंदों से मेरी फाइट हुई तब 90 बंदे अलाइव थे, अब बचे 67 बंदे। मतलब इतनी देर बाद याद आ रहा है तुझे कूदने का। ये अपना सब्सक्राइबर नहीं था, इसे ये भी नहीं पता था मैं पारस हूं, ठीक है ना। ये इसीलिए कूद रहा था क्योंकि इसका माइनस होने वाला था, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आप देखोगे इस वाले मैच में आपको एक हैकर दिख रहा होगा बिन नाम वाला, एक हैकर ये था, इसके अलावा एक और हैकर था। तभी मुझे सामने की तरफ एक बोट भागता हुआ दिखता है, एंड बोट को मारने के बाद मुझे पीछे से साउंड आता है भाई साहब टोटल 4 किल ऐसी लोकेशन पे, भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया कसम से बोल रहा हूं। अब होता क्या आगे जाके यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सबकी पेटी लूटता हूँ। एंड यहाँ पर देखो बिन बुलाए मेरे पास गाड़ियां भी आ गई थी, गाड़ियों की टेंशन थी कहां पर जाके ढूंढूंगा, गाड़ी भी मिल गई, किल्स भी मिल गए। अब यहाँ पर से मैं निकलता हूँ बंदों की तलाश में, एंड आगे जाके हैकर से सामना होता है मेरा, एंड होता क्या सीन है वो देखना। एंड इस गेम प्ले के बाद एक और गेम प्ले है वो भी देखना जरूर, क्योंकि दोनों ही मस्त गेम प्ले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी लूट करते हैं, इधर से निकलते हैं। अब सेफ तो मैं खेल नहीं रहा था, मैं बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। तभी मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी। अब यहाँ पर मेरा स्प्रे काफी गंदा था, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अच्छा स्प्रे नहीं होता। अब यहाँ पर हुआ क्या, मेरे गन के अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर गन गाड़ी से उतरते हुए चलाता तो बात अलग थी, गाड़ी में बैठ के चलाने में ना थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रीलोड करता हूँ, इधर से निकलते हैं और बंदों को ढूंढते हैं, इसे तो मार नहीं पाए। अब यहाँ पर सामने की तरफ ड्रॉप गिर गया था जहां पर मैं आके ड्रॉप को लूटना चाहता था, बट जैसे ही मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ वहां पर दो गाड़ियां पहले से ही थी, आपस में लड़ते हैं ये। भाई साहब कितना डैमेज दिया इसे, बट इसकी किस्मत में जिंदा रहना लिखा नहीं था भाई, जाते जाते एंड में एक गोली लग गई इसको और ये मर गया। इस वाले बंदे को मारने के बाद अब मुझे उस वाले बंदे को मारना था जो सामने की तरफ था। अब ये बंदा काफी चालाक था, इसने मुझे जो यहाँ पर परेशान किया है कसम से बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर आके एक पेड़ के पास रुक जाता है एंड वहां से ये बार बार बोट फायरिंग करता है। बस इसकी गाड़ी के टायर तो मैं फोड़ देता हूँ, बट ये जोन में भी नहीं जा पाता एंड भाई बोट फायरिंग करता रहता है, बट इसे मैं मारता कैसे हूँ वो देखना। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो साउंड आया होगा पैरों का, बिल्कुल ही मेरे पास कोई था एंड मुझे समझ में आ गया था कोई बंदा पहाड़ी पे है। तभी यहाँ पर मैं गोल घूम के जाने की कोशिश करता हूँ, तभी यहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिखती है एंड मैं समझ गया था बंदा यहीं पर है। तभी मुझे बंदा दिखता है, बट भाई उस बंदे ने मुझे भी देख लिया था। अब इस वाले बंदे को मैं मारता कैसे हूँ सीधा वही वाला पार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने बहुत टाइम खराब किया, मरना तो था ही इसे बट इसने बहुत टाइम खराब किया। यहाँ पर इसकी गाड़ी थी, गाड़ी के टायर फोड़ता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर उतर के एंड इधर से निकलता हूँ। अब उस बंदे के गाड़ी के टायर फोड़ने के बाद मैं इस वाले घर पे आता हूँ एंड मुझे उस वाले बंदे की लोकेशन पता थी, वो पेड़ पे है, तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ एंड तभी वो बंदा मुझे दिखता भी है हल्का सा। एंड यहाँ पर देखो फिर कैसे इसको मारता हूँ, इसकी किस्मत काफी अच्छी थी, देखना अभी यहाँ पर कितना डैमेज खाएगा ये। एक गोली कनेक्ट हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार गोलियां कनेक्ट हो चुकी हैं अभी तक इसे।
चार गोलियां कनेक्ट होती मैं समझ गया था, अभी मुझे पुश करना पड़ेगा नहीं तो भाई ये फिर से बच जाएगा। अब यहाँ पर भाई किस्मत देख लो बंदे की, अब जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूँ ये मेरे पे फायर करता है, शायद इसने यहाँ पर हीलिंग नहीं की थी एंड ये गन भी रिलोड करने लग जाता है। एंड भाई इजली इस वाले बंदे को मारता हूँ, इस वाले बंदे को मारने के बाद इसकी पेटी में से जो गन मुझे मिलती वो थी मेरी फेवरेट गन, मशीन गन। अब अगर इस वाले मैच में हैकर ना होता ना, सही बता रहा हूँ, इस वाले मैच में कम से कम नहीं तो 15 से 20 किल करता मैं, क्योंकि मैं शुरू से ही देख लो मैं कैसे खेल रहा हूँ, घुस घुस के मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मेरे पर मशीन गन आ गई, मैं कैसे खेलूंगा सोच लो, अभी वाला जो किल करने वाला हूँ आप खुद देखो मैं कैसे खेल रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। अब जोन काफी छोटा हो गया था, 24 बंदे बचे थे एंड तभी मुझे यहाँ पर डिसाइड करना था कि मैं जोन में कौन सा एक लोकेशन होल्ड करूँ जहाँ पर मैं मतलब थोड़ा सर्वाइव कर सकूँ एंड जहाँ से मुझे किल भी मिले। अब इसीलिए मैं यहाँ पर घूमने लग गया था, तभी यहाँ पर मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखती है तो मैं सोचता हूँ चलो इसे ही मारते हैं। ये गाड़ी वाला मेरे सामने आके रुकता है एंड शैक के अंदर घुस जाता है। एंड भाई इजली इस वाले बंदे को मारता हूँ, इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर कोई बंदा मेरे पे फायर करेगा जो कि सामने की तरफ था एंड उस वाले बंदे से भी मैं फाइट करने की सोचता हूँ, बट तभी आ जाता है नल्ला हैकर और इस नल्ले ने जो दिमाग खराब किया है कसम से बोल रहा हूँ भाई, मतलब कब बैन होंगे भाई, हर मैच में तो हैकर आ रहा है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हर मैच में हैकर आ रहा है भाई, मतलब बैन करने का फायदा क्या है जब बंदे भाई नई नई आईडी बना के वापिस आ रहे हैं। तभी यहाँ पर पड़ती है मेरे को, मैं समझ जाता हूँ कि भाई दूर बंदा है, उसकी लोकेशन का मुझे पता चल गया था, बट यहाँ पर होता क्या है सीधा मैं आपको वही दिखाता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो। अब यहाँ पर स्मोक करके मैं सोचता हूँ सीधा उस पर पुश करूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पर पुश करने जाता हूँ वो बंदा भाई काफी प्रो प्लेयर बन रहा था, वो भाई स्मोक करके स्मोक के बीच में से निकल के ओपन से आ रहा था मुझे मारने के लिए, भाई देख रहे हो बंदे को निडर कितना था वो। अब जैसे ही वो ऐसे मारने के लिए आ रहा था मैं समझ गया था बंदा अच्छा खेलता हुआ, इसलिए मैं दोबारा से फाइट करने के लिए उतरता हूँ, तभी उसे कोई और मार देता है। अब जिसने उसे मारा था मुझे नहीं पता था वो हैकर है, अब यहाँ पर जिसने उसे मारा मैंने सोचा यार देखो सेफ तो मैं खेल नहीं रहा, मैं गाड़ी घुमाता हूँ एंड सोचता हूँ कि चलो इसे मारते हैं एंड यहाँ पर देखो क्या होता है, फिर खुद देखो आपको क्या लगता है ये प्रो प्लेयर है भाई, ये नल्ला प्लेयर है, 2% का हैकर फिर भी माइनस नहीं करवा पाया अपने पापा का, 8+ हुआ फिर भी मेरा, और ये चुम्मिया दे रहा है, ये चुम्मिया तेरे चुत्तड़ पे मारूंगा साले कुत्ते के बच्चे, साला मतलब हैक करके खेल रहा, गुस्सा दिला देते हैं भाई ऐसे बंदे, मतलब यार हैक करके क्या मिलता है तुम्हें, तुम नॉर्मल खेल लो भाई, हम इतनी मेहनत से खेल खेल के वीडियो बना रहे हैं, तुम हैक करके आके मार जा रहे हो, मेरे 7 किल थे और इस नल्ले के 5 किल है हैक करके भी, डूब के मर जा साले, हैक करके भी तू 5 किल कर रहा है तो तुझे डूब के मर जाना चाहिए। अब ये हैकर था या नहीं वो आपको अभी पता चल जाएगा, मैं इसके 1-2 किल दिखाता हूँ आपको, इसने किल्स कैसे किए खुद देखना, यहाँ पर आता है ये ठीक है, अभी देखना इस नल्ले को, सबसे पहले यहाँ पर आया, इसको पता है बंदे कहाँ पर है, देखो भाई साहब यहाँ पर अंदर जाएगा और भाई जोन के बाहर क्या कर रहा है ये, पागल है क्या दिमाग में, गोबर है क्या इसके, जोन में नहीं है ये, सीधा जोन में जा गाड़ी लेके, फुल हेल्थ तो है तेरी, मतलब दिमाग नहीं होता इन हैकर के पास, देखो स्कैन कर लिया इसने, अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दूं ये हैकर है, देखो। अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई ये प्रो प्लेयर है, भाई जो बोलते हैं ना ये प्रो प्लेयर है वो सबसे बड़े नल्ले हैं, मतलब हैकर और नॉर्मल प्लेयर में तुम्हें समझ नहीं आता कौन नॉर्मल है कौन हैकर है, भाई देखो तो सही बंदे को, अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल जोन में जा रहा है और अभी देखना क्या करेगा, ये नल्ला मरते मरते बचा है यहाँ पर, हैक करके भी खेलना नहीं आता इनको, 2% के हैकर को, देखना अभी क्या करेगा ये, देखो देखो इसकी हरकतें देखो, अगर इसके पास हैक ना होता ना यहाँ पर अभी ये टट्टी खाता, अपनी खुद की टट्टी खुद खाता है साला नल्ला, भाई कितना मूड खराब किया ना इसने, छोड़ो अब मैं क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो यार जाते हैं नेक्स्ट मैच में, इसको तो मैंने रिपोर्ट कर ही दिया, कल तक बैन भी हो जाएगा टेंशन नोट, नेक्स्ट मैच में चलते हैं। अब इस वाले मैच में मैं अपनी पुरानी लोकेशन पे कूद रहा था एंड इस वाले मैच में मैं थोड़ा सेफ खेलने की सोच रहा था, क्योंकि पिछले मैच में हैकर आके मार गया, तो भाई जब हैकर आके मार जाता है ना तो फिर मूड नहीं करता यार रश खेलने का, जब पहला पहला मैच होता है ना मेरा शुरू का दिन का तो मैं सोचता हूँ कि रश खेलूं, तभी मुझे यहाँ पर साउंड आता है, 7 वाले घर में कोई है, मैं यहाँ पर प्री फायर देता हूँ बट मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार गन है नहीं अपने पास, ऑटो गन ढूंढ लेते हैं, जैसी मुझे ऑटो गन मिलती है मैं सोचता हूँ चलो अब इसको मारने के लिए घुसूंगा। अब होता क्या ये अपना सब्सक्राइबर निकलता है तो यहाँ पर फिर मैं इसे छोड़ देता हूँ, होता क्या खुद देख लो आप, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्टन करूंगा, तभी यहाँ पर मुझे साउंड आता है कि भाई कोई कूद रहा है, तभी मुझे ऑल पे आवाज आती है, देखो बंदा आ गया कूदते हुए एंड आप सभी को पता है यार मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी नहीं मारता अगर मुझे पता चल जाए कि वो कूद रहा है,
अगर मैं धोखे से मार दू, मतलब धोखे नहीं मतलब गलती से मार दू, वो बात अलग है। तो यार देखो मीटअप यार अगले सीजन में ना भाई मीटअप का बहुत पंगा होने वाला है, क्योंकि अगले सीजन में भाई तहलका मचने वाला है जो आज अपडेट आया ना उसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर अपने सब्सक्राइबर से बात करता हूँ एंड फिर इधर से निकलूंगा मैं। अब सब्सक्राइबर से बातचीत करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस वाली लोकेशन पे एंड यहाँ पर देखो भाई साहब बोट रास्ते में मिल गया मुझे, जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई, गाड़ी गोल गोल घुमाओ बोट मिलेंगे, वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लगा रहा था। अब यहाँ से मुझे स्कारल मिल जाती है जो कि मैं उठाता नहीं हूँ एंड बोट की पेटी लूटने के बाद मुझे सामने की तरफ एक फ्लेयर दिख गई थी, तो मैंने सोचा चलो यार फ्लेयर पे चलते हैं। आपको पता ही है मैं ड्रॉप का कितना बड़ा लालची हूँ। अब सीजन एंड होने वाला है तो मैंने सोचा यार अब टेंशन की क्या बात, सीधा चलते हैं यार ड्रॉप लूटेंगे। अब ड्रॉप की तरफ मैं जा ही रहा था तभी मुझे रास्ते में एक भागता हुआ बंदा दिखता है, मुझे लगता है ये बोट है एंड जैसे ये लेट जाता है मैं समझ गया था ये रियल प्लेयर है। अब परी चिल्ला रही है पीछे, उसे इग्नोर करना है क्योंकि बाहर शायद कोई आया गेट के पास। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं गेट के पास तो जाऊँगा नहीं, इस वजह से उसे चिल्लाने दो, पहले वॉइस ओवर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या सीन है, यहाँ पर ये बंदा भाई मुझे देख के लेट जाता है, इसको कवर लेना चाहिए था। ये गलती कभी मत करो, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो फिर आप लेट जाओ वो बात अलग है, बट अगर आपके पास कवर है, पेड़ का इतना बढ़िया कवर था भाई, आराम से लेट सकता था ये। अब इसकी पेटी लूटता हूँ इधर से मैं एंड इधर से फिर निकलते हैं और बंदों की तलाश में। नहीं बंदों की तलाश में नहीं निकल रहे थे हम, ड्रॉप की तलाश में निकल रहे थे। अब ड्रॉप भी घूम गया, उसे ढूंढना पड़ेगा मुझे, चलो ढूंढते हैं। अब जिस ड्रॉप की तलाश में मैं निकला था वो ड्रॉप तो मुझे नहीं मिलता, बट यहाँ पर मुझे एक और ड्रॉप दिख जाता है एंड यहाँ पर जो मैं हगने वाला हूँ, कसम से बोल रहा हूँ भाई, कभी कभी लगता है ना मैं इतना बड़ा नूब क्यों हूँ। यहाँ पर ड्रॉप गिर रहा है, मैं लोकेशन देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में आ गया था बीचों बीच गिर रहा है तो मैं घुस जाता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैं इस वाले घर पे आता हूँ एंड छत से देखने की कोशिश करने ही वाला था ऊपर जाके, उससे पहले ही बंदा फायर कर देता है एंड अपनी लोकेशन दे देता है। तो यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया था बंदा सामने वाले घर पे, हल्का सा मुझे दिख भी रहा था वो, उसका टकला दिख रहा था। अब यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ एंड वो बंदा साफ साफ दिख गया वो, देखो सामने की तरफ। अब मुझे ये था कि भाई पीछे से कोई मार ना दे। अब यहाँ पर मशीन गन है जो कि मैं लॉन्ग में नहीं चला सकता, मिड में नहीं चला सकता, उसके बाद यूएमपी है। यूएमपी का भाई 6x का स्प्रे तो भाई मेरा भाई जो देखोगे ना अभी आप, भाई साहब गाड़ी आई क्या ही बताऊँ। अभी देखो मैं मेन पार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने मतलब होल्ड किया या फिर कैम किया उसको छोड़ो, सीधा मेन पार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। होता क्या है, इस वाले घर से पहले मैं जाऊँगा साथ वाले घर में, ठीक है, उसके बाद फाइट होगी। अब यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी लगाई मैंने यहाँ पर, उस बंदे ने स्प्रे किया। अब उस बंदे को लगा मैं भाग गया बट मैं भागा नहीं था। अब यहाँ पर मैं इस वाले घर पे आया, यहाँ जो हगने वाला हूँ देखो एक बार आप, बंदा मेरे सामने कूदा भाई, एक भी गोली नहीं कनेक्ट हुई बंदे को, एंड में जाके एक हेड कनेक्ट हुआ। क्या नल्ला बंदा हूँ भाई मैं, मतलब मेरा स्प्रे अच्छा नहीं है, यूएमपी का पहली बार मैं 6x का स्प्रे कर रहा था, अब क्या कर सकते हैं भाई, तभी बंदा दिखता है। बंदे की किस्मत में बचना लिखा ही नहीं था। इस वाले बंदे को मारता हूँ, इस बंदे की पेटी लूटूंगा एंड ड्रॉप भी लूटूंगा, फिर इधर से निकलेंगे और बंदों की तलाश में। अब ड्रॉप के अंदर से मुझे मिल जाती है ग्रोजा एंड भाई ग्रोजा तो यार मक्खन गन है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ग्रोजा उठाता हूँ एंड एक साइड पर रख लेता हूँ मशीन गन, ताकि भाई दोनों गन्स रहे अपने पास, है ना, थी तो दोनों ही क्लोज रेंज के लिए, बट यार फिर भी मुझे रखनी थी मशीन गन, पता नहीं क्यों बट रखनी थी। अब मैंने ये दोनों गन उठाई एंड इधर से निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर जो जोन था वो ओपन में बन गया था पहाड़ी के साइड, तो मैंने सोचा इस पहाड़ी को होल्ड करूंगा, तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है। अब मैं उतर के इसे देखने की कोशिश करता हूँ बट बंदा मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा ना मैं इससे भी ऊपर वाली पहाड़ी पर जाता हूँ एंड पीछे से इसको मार दूंगा, और वो मेरा प्लान जो था वो सक्सेसफुली वर्क भी करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर गाड़ी उतारता हूँ अपनी एंड बंदा नीचे था। एंड ईजली इस वाले बंदे को मारता हूँ, इस वाले बंदे को मारने के बाद इसकी जगह होल्ड करूंगा, इसकी पेटी लूटूंगा, इसकी गाड़ी लूटूंगा, फिर इधर से निकलूंगा। अब यहाँ पर होता क्या, जब मैं इसकी गाड़ी लेके इधर से निकलूंगा ना भाई, जो मेरी किस्मत है इतनी घटिया थी, मतलब क्या कर सकता हूँ यार, मेरी किस्मत कभी कभी ऐसी रहती है। हर मैच में भी बंदा अच्छा नहीं ना खेल सकता, किसी किसी मैच में तो हगेगा, इस वाले मैच में मैं वही हगने वाला हूँ, हगता कैसे हूँ वो देखो आप। अब जोन से मैं इतना लेट क्यों निकला वो आपको मैं बता देता हूँ। मुझे लग रहा था मेरे आसपास कोई बंदा है, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था कि वो निकले तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो मैं निकलता तो वो मुझे मार देता, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं जैसी जोन के अंदर आता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे लगता है ये लोकेशन ठीक है, जैसे मैं उतरने की सोचता तभी यहाँ पर पड़ती है, मुझे पता नहीं कहाँ से पड़ी बट बहुत गंदी पड़ी। यहाँ पर मैं उतरता हूँ, मेरे सामने बंदा भी आ जाता है तुरंत, वो भी यहीं उतर जाता है। अब यहाँ पर किस्मत देखो मेरी, मैंने यहाँ पर एक नेड किया, ठीक है, उस नेड से बंदा बच जाएगा, जबकि परफेक्ट नेड था मेरा। एक और नेड मैं उसी साइड करता हूं
एचपी देखो मेरी भाई साहब, उसका नेड मेरे पे आ गया और मेरा नेड उस पे गया ही नहीं। चलो ठीक है भाई, ठीक है, 11 का प्लस हुआ, फिर भी ठीक ठाक प्लस हो गया। इस वाले मैच में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। किस्मत अच्छी नहीं थी इस वाले मैच में, बट दोनों मैच में ठीक ठाक किल कर लिए मैंने यार, इतना तो चलता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नए अपडेट के साथ मिलते हैं, कल नया वाला अपडेट डालूंगा, नए वाले अपडेट के साथ गेम प्ले आएगा धूमधाम। बताओ कितने किल का टारगेट रखे, कल हम 20 किल करेंगे, 15 किल करेंगे या 10 किल करेंगे, मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी कल ही पता चलेगा कितने किल करेंगे। बाय बाय।